नमस्कार दोस्तों, indianmoney.com हिंदी पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है फयाज। हमारे देश में आज इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं। आज हमारे पास क्रिप्टो करेंसी है, शेयर मार्केट है, रियल एस्टेट है, बैंक एफडीज है, म्यूचुअल फंड्स है। लेकिन 2020 में जैसे ही कोरोना वायरस ने हमारी इकोनॉमी को हिट किया था, तो ये सारे के सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन धरे के धरे रह गए थे। बहुत सारों के नेगेटिव रिटर्न्स भी आने शुरू हो गए थे। ऐसे में एक लौता जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन था जो कि आपको कंसिस्टेंट रिटर्न दे रहा था डिस्पाइट कोरोना वायरस पैंडेमिक, वो था पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम। और आज का वीडियो इसी टॉपिक पर है, क्योंकि अब कोरोना वायरस का एक नया तरह का वायरस वापस से सर्कुलेट हो रहा है ब्रिटेन के आसपास, एक काफी ज्यादा प्रोमिनेंट हो गया है और ब्रिटेन से आने वाली फ्लाइट भी बंद हो रही हैं। ऐसे में बहुत हद तक मुमकिन है कि दोबारा हमारी इकोनॉमी को हिट करे। इसीलिए जरूरी है कि हम लोग अभी से तैयार रहें और अपने इन्वेस्टमेंट्स को लेकर एक सेफ ऑप्शन हमें पता होना चाहिए। इसीलिए आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कुछ ऐसे पोस्ट ऑफिस सेविंग्स के ऑप्शन जो आपको दे रहे हैं सबसे अच्छे रिटर्न, लगभग 8% तक के कंसिस्टेंट रिटर्न। पोस्ट ऑफिस स्कीम की सबसे अच्छी बात यह है कि पोस्ट ऑफिस स्कीम बेसिकली एक ऐसा इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बन जाता है जो कि ग्रामीण भारत और अर्बन भारत दोनों के लिए इक्वली एक्सेसिबल है। इसके अलावा यहां पर आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है सुकन्या समृद्धि योजना और पीपीएफ के द्वारा। इसके अलावा यहां पर आपको बेसिकली जो एक गवर्नमेंट बैक्ड संस्था होने की वजह से जो कॉन्फिडेंस आता है इन्वेस्टर्स में, वो भी काफी कमाल का आता है। आज मैं आपको बताने वाला हूं एक दो नहीं बल्कि 4-5 ऐसे कमाल के इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस जो कि पोस्ट ऑफिस की तरफ से हैं, जो कि आप चुन सकते हैं जिससे आपको डिसेंट रिटर्न मिलेगा। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि मैं आपको अलग अलग अवधि के हिसाब से यह भी बताऊंगा कि आपको इसमें मिनिमम कॉन्ट्रीब्यूशन कितना देना और मैक्सिमम आप कितना कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकते हैं, इसका टेन्योर क्या है। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए बिना किसी देरी के सीधा टेबल की ओर चलते हैं। अगर हम लोग इस टेबल पर नजर डालें तो आप देखेंगे कि जो सबसे पहला स्कीम है यहाँ पर वो है पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट। यहाँ पर ये कोई टेन्यूर नहीं है, ये बेसिकली एक बैंक अकाउंट की तरह ही होता है। इसमें आपको 4% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। मिनिमम डिपॉजिट यहाँ पर आप कर सकते हैं 500 रुपए का, और बैंक अकाउंट की तरह ही यहाँ पर भी कोई अपर लिमिट नहीं है, आप जितना चाहे उतना डिपॉजिट कर सकते हैं। अगला होता है पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट अकाउंट। यहाँ पर 1, 2, 3 ईयर की जो अवधि होती है उसमें आपको यहाँ पर लगभग 5% तक का रिटर्न मिलता है। बात करें अगर मिनिमम डिपॉजिट की, तो यहाँ पर आप 1000 रुपए से मिनिमम शुरू कर सकते हैं, मैक्सिमम डिपॉजिट की कोई लिमिट नहीं है। बात करें अगर सेम इसी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के 5 साल के ऑप्शन में, तो यहां पर आपको थोड़ा सा ज्यादा बेहतर रिटर्न मिल रहा है 6.7% का। और यहां पर देखिए आपको 1000 रुपए का मिनिमम डिपॉजिट करना है और मैक्सिमम डिपॉजिट की कोई लिमिट नहीं है। बात करें अगर सीनियर सिटीजन सेविंग्स अकाउंट की, तो यहां पर आपको 5 साल की अवधि के लिए मिलेंगे 7.40% के इंटरेस्ट रेट। यहां पर भी अगेन आपको 1000 रुपए का मिनिमम कॉन्ट्रीब्यूशन देना है और मैक्सिमम का यहां पर एक लिमिट है, वो है 15 लाख रुपए तक का। अगला इस लिस्ट में आता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी कि पीपीएफ। पीपीएफ एक काफी पॉपुलर इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है। यहाँ पर पीपीएफ जैसे कि हमें को पता है कि 15 साल की अवधि के लिए आता है, लेकिन आप इसे एक्सटेंड भी कर सकते हैं। इसके ईयर ब्लॉक को आप 5-5 साल के हिसाब से बढ़ा सकते हैं अगर आप इसमें निवेशित रहना चाहते हैं तो। मिनिमम यहाँ पर 15 साल का ये टेन्योर के साथ आता है। बात करें अगर इसके रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट की, यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर देखिए आ रहा है लगभग 7.10% का। मिनिमम डिपॉजिट यहां पर आप 500 रुपए का कर सकते हैं और मैक्सिमम डिपॉजिट सालाना आप यहां पर 1.5 लाख रुपए तक का कर सकते हैं। पीपीएफ की सबसे अच्छी बात यह है कि यहां पर आपको ड्यूअल बेनिफिट मिलता है। एक तो आप जो कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं हर महीने उसमें भी आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है, और जो पैसे आपके लास्ट में अंत में आएंगे हाथ में उसमें भी आपको 1 रुपए भी टैक्स नहीं लगेगा। अगला यहां पर आता है सुकन्या समृद्धि अकाउंट। यहां पर ये 21 साल की अवधि के साथ आता है, इसका टेन्योर ड्यूरेशन 21 साल है। यहां पर आपको पीपीएफ से ज्यादा बेटर 7.60% तक का इंटरेस्ट मिलता है। यहां पर मिनिमम कंट्रीब्यूशन है आपका 250 रुपए का और मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन की यहां पर लिमिट है 1.5 लाख रुपए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं एलिजिबिलिटी की, तो यहां पर आपको पोस्ट ऑफिस की सेविंग स्कीम में आपके पास 2 चीजें जरूरी होनी चाहिए। पहला तो ये कि आप एक 18 वर्ष से ज्यादा के भारतीय नागरिक होना चाहिए, और इसके अलावा आप यहां पर 2-3 व्यक्तियों के साथ मिलकर एक ज्वाइंट अकाउंट भी खोल सकते हैं। अगर आप इसके बारे में और डिटेल में सीखना चाहते हो तो आप डाउनलोड कर सकते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम ऐप। वहां पर हमने जो कोर्स बनाए हैं बहुत सारे, 50 से भी ज्यादा कोर्सेज हैं 6 अलग अलग भाषाओं में, उसके आपको इन डिटेल पता चलेगा कि कैसे आप इन सरकारी स्कीम्स में निवेश करके ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप हमारे आने वाले किसी भी अपडेट को मिस ना करें। मेरा नाम है फयाज और आप देख रहे हैं indianmoney.com।